तो मैं शिवकांत दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MIUI 11 के 5 पांच हिडन फीचर के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे फर्स्ट फीचर है वीडियो वॉलपेपर, जो हम इस प्रकार इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी थीम सेटिंग में चले जाना है, जैसे मैं थीम सेटिंग में चले जाता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे माई पेज पे क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे माई लाइव वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे गैलरी से कोई भी वीडियो ले लेनी है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, फिर आपको यहाँ पे सेट होम स्क्रीन पे अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो वॉलपेपर लग जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर की, जो कि है फ्लोटिंग कैलकुलेटर। इसके लिए आपको अपने कैलकुलेटर में आ जाना है, जैसे कि मैं अपने कैलकुलेटर में आ जाता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कैलकुलेटर आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ से बाजू से आप कुछ भी देख के यहाँ पे इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर की, जो कि स्मार्ट शॉर्टकट। इसके लिए आपको अपनी सेटिंग में आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का आइकन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी नेविगेशन बार को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि वीडियो हाइड फीचर। इस फीचर को ऐड करने के लिए आपको अपनी MIUI वीडियो में चले जाना है, जैसे कि मैं अपनी MIUI वीडियो में चले जाता हूँ। जैसे इस एप्लीकेशन में आ जाते हो तो यहाँ से आप अपने फ़ोन के अंदर पड़ी हुई किसी भी एक वीडियो को आप हाइड कर सकते हो। जैसे मैं आपको कोई भी वीडियो हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लोकल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार सभी वीडियो आपके फ़ोन के यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट वाली वीडियो हाइड करनी है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कोई भी अपने 4 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ सामान्य से पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से वीडियो हाइड हो चुकी है। उस वीडियो को वापस लाने के लिए आपको अपने फोल्डर पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको हाइड आइटम पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो इस प्रकार ओपन हो जाएगा। फिर आपको वापस वही पासवर्ड दर्ज करना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे दर्ज किया था। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इस पर प्रेस करके रखना है और वापस यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वापस आपको अनहाइड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो आपकी वीडियो यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि क्विक रिप्लाई का। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है, जैसे मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे क्विक रिप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। अब यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप क्विक रिप्लाई में यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे मैं यूट्यूब को ले लेता हूँ। उसके बाद में आपको वापस बैक आ जाना है। क्विक रिप्लाई फीचर एक्टिवेट करने के बाद में अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, उस समय अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सअप मैसेज आ जाता है तो आप यहीं से उसका रिप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार ओपन हो जाएगा। अब आप यहीं से उसका रिप्लाई कर सकते हो, वापस आपको व्हाट्सअप में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस प्रकार इसका यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस फीचरों का यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।